लक्ष्मीकांत के सीरीज में आप सबका स्वागत है यह चैप्टर नंबर फोर है जिसका नाम है संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यह चैप्टर प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए इसे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में हम लोग प्रस्तावना का मतलब समझेंगे प्रस्तावना क्या है प्रस्तावना का क्या अर्थ है यह समझेंगे और फिर प्रस्तावना में कुछ शब्द को दिया हुआ है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रस्तावना में कुछ शब्द हैं जैसे कि संप्रभुता का क्या अर्थ होता है फिर हम समझेंगे कि समाजवादी शब्द का क्या अर्थ होता है फिर हम समझेंगे कि धर्मनिरपेक्षता शब्द का क्या अर्थ होता है फिर लोकतांत्रिक शब्द का क्या अर्थ होता है ये चार टॉपिक को कवर करेंगे और बाकी जो टॉपिक बचेगा उसको पार्ट टू में हम ला देंगे ठीक है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा अंत में एक क्वेश्चन भी करेंगे पी वाई पी वाई की ठीक है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा जो पूछा हुआ क्वेश्चन होगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अगर बात करें प्रस्तावना की तो सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया फिर अन्य देशों ने इसे अपनाया जैसे भारत ने भी इसे अपनाया अपने संविधान में शामिल किया ठीक है अगर बात करें प्रस्तावना प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है दोस्तों प्रस्तावना का अर्थ और मतलब क्या होता है तो प्रस्तावना का अर्थ होता है दोस्तों संविधान का परिचय और भूमिका को कहते हैं यानी यह संविधान का परिचय देता है संविधान के बारे में बताता है कि संविधान में हमें क्या क्या पढ़ना है संविधान हमें क्या क्या अधिकार देता है क्या क्या स्वतंत्रता देता है एक परिचय की तरह काम करता है एक इंट्रोडक्शन की तरह काम करता है और एक भूमिका की तरह काम करता है भूमिका का क्या मतलब हुआ कि एक बैकग्राउंड आपको दिखाता है कैसे आप लोग जब बुक में पढ़ते हैं दोस्तों तो लिखा हुआ है भूमिका भूमिका में आपको एक सार दिया जाता है कि इसमें ये ये चीज़ें पढ़ना है ठीक है और इसे संविधान का सार भी कहते हैं क्या कहते हैं इसे संविधान का सार कहते हैं एक व्यक्ति हुए हैं जब जो सबसे प्रख्यात न्यायविद है और संविधान के विशेषज्ञ है एन पालकी वाला एन पालकी वाला ने प्रस्तावना को क्या कहा है तो संविधान का परिचय पत्र कहा है ठीक है परिचय पत्र किसने कहा है तो एन पालकी वाला ने कहा है परिचय पत्र क्या होता है आपके स्कूल में भी मिलता है परिचय पत्र अगर आपको आप किसी को दिखाते हैं तो आपके बारे में पता चल जाता है कि आप इस गाँव के हैं आपका ये नाम है उसी तरह संविधान का परिचय पत्र है क्या प्रस्तावना इसी तरह जब प्रस्तावना को पढ़ लिया जाता है तो पता चलता है कि संविधान में क्या है भारतीय संविधान में क्या है ठीक है अगर बात करें प्रस्तावना को कब लाया गया भारतीय संविधान में तो तेरह दिसंबर उन्नीस सौ छियालीस को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तेरह दिसंबर उन्नीस सौ छियालीस को जब पंडित नेहरू ने सभा में क्या रखा था इसको उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में रखा था पंडित नेहरू ने कब तेरह दिसंबर उन्नीस सौ छियालीस को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में इसे शामिल किया इसे उदयसिका भी कहते हैं दूसरे क्या कहते हैं उदयसिका भी कहते हैं ठीक है ध्यान रखिएगा यह उद्देश्य बताता है संविधान का उद्देश्य बताता है ठीक है और इसे उद्देश्य क्या कहते हैं तो सबसे पहले पंडित नेहरू ने तेरह दिसंबर उन्नीस सौ छियालीस को रखा बिल्कुल सही बात है याद रखिएगा फिर अगर बात करें तो कुछ शब्द को जोड़ा गया था बयालीसवां संशोधन अधिनियम उन्नीस सौ छिहत्तर इसमें समाजवादी शब्द धर्म निरपेक्षता शब्द और अखंडता शब्द को सम्मिलित किया गया था ये शब्द को हम समझेंगे इस वीडियो में समझेंगे कि अखंडता के अखंडता का मतलब क्या होता है समाजवादी शब्द का मतलब क्या होता है ठीक है चलिए कुछ देख लेते हैं कि प्रस्तावना कैसा दिखता है हमारा प्रस्तावना तो देखिए यहाँ पर प्रस्तावना दिया हुआ है प्रस्तावना कहता है कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभु संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्म लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिक को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक छब्बीस नवंबर उन्नीस को उनचास द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं छब्बीस नवंबर उन्नीस को अपना संविधान बनकर तैयार हो गया था और छब्बीस जनवरी उन्नीस को संविधान को लागू कर दिया गया था इस बात को याद रखिएगा ठीक है है तो ये प्रस्तावना है, आप लोग पढ़ लीजिएगा याद कर लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे ठीक है चलिए प्रस्तावना के कुछ तत्वों को देखते हैं तो प्रस्तावना के कितने तत्व हैं तो प्रस्तावना के चार तत्व है मूल तत्व है चार फंडामेंटल तत्व है तो इसे याद रखिएगा ये पूछता है कि फंडामेंटल चार तत्व बताइए प्रस्तावना की तो चार तत्व कौन कौन है तो सबसे पहला तत्व यही है कि संविधान के अधिकार स्रोत को बताता है प्रस्तावना प्रस्तावना क्या कहता है कि संविधान का अधिकार स्रोत क्या है यह प्रस्तावना बताता है प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिकृत करता है यानी जो संविधान है भारत का जो संविधान है लोगों से शक्ति लेता है किससे लेता है लोगों से शक्ति लेता है तो प्रस्तावना पहला बात कहा कि संविधान के अधिकार स्रोत को बताता है फिर दूसरा बात कहता है प्रस्तावना कि भारत की प्रकृति को बताता है भारत के को बताता है यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु है समाजवादी है धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है तो पहला बात अधिकार स्रोत बता दिया संविधान का फिर भारत की प्रकृति भारत का नेचर बता दिया कि कैसा है भारत संप्रभु है समाजवाद है धर्मनिरपेक्षता है धर्मनिरपेक्ष वाला राज्य है गणतांत्रिक वे, राज्य है व्यवस्था वाला देश है फिर तीसरा बताता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है प्रस्तावना ही बताती है कि संविधान का उद्देश्य क्या है न्याय स्वतंत्रता समता बंधुत्व हासिल करना संविधान का उद्देश्य है क्या हासिल करना तो न्याय को हासिल करना स्वतंत्रता को हासिल करना समता को हासिल करना बंधुत्व को हासिल करना आप टेंशन मत लीजिए कि ये न्याय समता स्वतंत्रता ये बंधुत्व क्या है इसका पूरा अर्थ इसमें दिया हुआ है टेंशन लेने की कोई बात नहीं है फिर चौथा बताता है संविधान लागू होने की तिथि छब्बीस नवंबर उन्नीस को संविधान लागू हुआ था इसकी तिथि तो चार चीज़ें प्रस्तावना बताती है हमें चार चीज़ें कौन कौन है तो एक बार रिकेव कर लेते हैं तो सबसे पहला संविधान के अधिकार स्रोत को बताता है कि संविधान का अधिकार के स्रोत क्या है संविधान संविधान कहाँ से अधिकार लेता है तो भारत के लोग से फिर बताता है कि भारत की प्रकृति क्या है भारत नेचर में कैसा है तो संप्रभु है फिर बताता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है ये प्रस्तावना ही बताता है कि उद्देश्य क्या इसे उद्देश्य का भी कहते हैं फिर बताता है कि संविधान लागू होने की तिथि हमें संविधान के प्रस्तावना से ही पता चलता है कि संविधान कब लागू हुआ था ठीक है तो चलिए हम कुछ शब्द को मुख्य शब्द को समझ लेते हैं कि वे मुख्य शब्द कौन कौन है तो कुछ मुख्य शब्द है जैसे संप्रभुता समाजवाद धर्म लोकतांत्रिक गणराज्य ये सब शब्द को हम इस वीडियो में समझेंगे चलिए समझेंगे समझते हैं कि पहला है संप्रभुता संप्रभुता का मतलब क्या होता है तो दोस्तों संप्रभुता का आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है कहने का मतलब कि भारत पर किसी का नियंत्रण नहीं है भारत किसी पर निर्भर नहीं है भारत अपने आप में प्रभु है भारत अपने आप में स्वतंत्र है किसी के दबाव में नहीं रहता है जो अपना काम करना होता है खुद से करता है किसी के दबाव के दबाव से काम नहीं करता है ठीक है इसके ऊपर कोई अन्य शक्ति नहीं है कोई शक्ति नहीं है भारत के को ऊपर कोई शक्ति नहीं है अपने आंतरिक मामले और बाहरी मामले का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है ठीक है आंतरिक मामला हो गया बाहरी मामला सबके सबको करने के लिए स्वतंत्र इस पर किसी का दबाव नहीं है फिर वर्ष उन्नीस सौ उनचास में जब भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना तथापि संविधान से अलग होने की घोषणा इस भी तथापि संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करता है कहने का मतलब कि जब उन्नीस में भारत ने क्या किया राष्ट्रमंडल की सदस्यता को स्वीकार किया तो लोग कहने वाले हो जाएंगे कि भारत ने तो राष्ट्रमंडल की स्वीकार सदस्यता को स्वीकार कर लिया इस पर तो किसी का दबाव हो गया तो ऐसा कुछ नहीं है ऐसे यह घोषणा नहीं करता कि भारत की संप्रभुता को प्रभावित कर दिए यह राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत की संप्रभुता को प्रभावित नहीं करता है इसी प्रकार तो यूएनए के भी तो हम सदस्य हुए थे संयुक्त राष्ट्र में भी सदस्यता हुई थी तो यह भी तो उसकी संप्रभुता और किसी भी मायने में सीमित नहीं करती भारत की संप्रभुता को किसी भी मायने में सीमित नहीं करती है इवन भी भी जो यूनाइटेड नेशन होता है उसमें भी तो सदस्यता स्वीकार की है तो यह किसी भी तरह से सीमित नहीं करती है भारत की संप्रभुता आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या में शामिल होना भारत की संप्रभुता को सीमित करती है प्रभावित करती है तो नहीं किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करती है ठीक है फिर एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण कर सकता है किसी भी विदेशी सीमा का अधिग्रहण अपने सीमा में मिला सकता है अपने सीमा का अधिग्रहण कर सकता है से हासिल कर सकता है अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर दावा छोड़ है कह सकता है कि यह सीमा मेरा है यह सीमा मेरा है ठीक है अन्य सीमा पर दावा कर सकता है तो ये हम लोगों ने समझा कि संप्रभुता का मतलब क्या होता है संप्रभुता का मतलब किसी का दबाव हम पर ना है अपने आप में संप्रभु है ठीक है तो समझ गए हम लोग पहला संप्रभुता का मतलब फिर हम समझते हैं समाजवादी शब्द समाजवादी शब्द का मतलब होता है दोस्तों की समाज को किस नज़र से देखें समाज में कैसे हम सेवा करें समाज समाज के गरीबी को मिटाए ठीक है, है इस तरह को, इसे हम कहते हैं समाजवादी ठीक है देखिए समाजवादी शब्द पहले संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में मौजूद था और बाद में इसे स्पष्ट रूप से उन्नीस में बयालीसवें संशोधन करके इसे भारत के संविधान में जोड़ दिया गया ठीक है तो कहां था संविधान में ऐसा नहीं कि संविधान में पहले से नहीं था डीपीएचपी में बताया नीति निर्देशक सिद्धांत में था समाजवादी शब्द लेकिन इसे बयालीस संशोधन द्वारा इसे शामिल कर लिया गया दूसरे शब्दों में कहे तो जो बात पहले संविधान में अंतर नहीं उसे ही स्पष्ट रूप से जोड़ गया यानी जो बात पहले थी उसे को स्पष्ट रूप से कर दिया गया ठीक है और बात करें कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए उन्नीस में आवरी सत्र में एक प्रस्ताव को पारित किया था किस सत्र में तो आवरी सत्र में उन्नीस में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था समाजवादी स्वरूप को हासिल करने के लिए एक प्रस्ताव लाया था ठीक है और ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है न कि साम्यवादी समाज सम्यवादी समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होता है दोस्तों और सम्यवादी समाजवाद क्या होता है तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर सम्यवादी सम्यवादी को मतलब कम्युनिस्ट कहते हैं जिसे जिसमें राष्ट्रीय राज्य अश्रित समाजवाद होता है यानी राजतंत्र होता है किसमें साम्यवाद में साम्यवाद में।, में जो कम्युनिस्ट होता है जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण होता है उत्पादन और वितरण के राष्ट्रीयकरण होता है निजी संपत्ति का उन्मिलन होता है यह किसकी बात हो रही है तो साम्यवादी कम्युनिस्ट की बात हो रही है ठीक है कम्युनिस्ट राजस्तृत होता है यानी कि राजतंत्र वाला होता है लेकिन अगर बात करें भारत की तो भारत यानी लोकतांत्रिक समाजवाद की तो लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है लोकतांत्रिक समाज किस में आस्था रखता है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है जहाँ सार्वजनिक और निजी निजी क्षेत्र एक साथ मिल मौजूद रहते हैं यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है सार्वजनिक मतलब सरकारी और निजी यानी प्राइवेट दोनों एक साथ मौजूद रहते हैं दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा भी है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य है गरीबी को दूर करना उपेक्षा बीमारी अवसर की असमानता को समाप्त करना यही तो समाजवाद का उद्देश्य है ठीक है भारतीय समाजवाद किस पर आधारित होता है दोस्तों तो भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है जिसमें ज़्यादा गांधी जी का झुझकाव जु, देखने को मिलता है ठीक है तो दोनों का मार्क्सवाद का भी और गांधी जी का भी मिला जुला रूप है ठीक है और फिर उदारीकरण जब आया एल रिफॉर्म आया लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन तो इसने क्या किया कि समाजवादी स्वरूप को थोड़ा सा लचीला बना दिया था ये आप लोग पढ़ेंगे उदारीकरण क्या था हम लिबरल हो गए प्राइवेट कंपनी को भी अपने देश में शामिल होने दिए ठीक है हम ग्लोबल लेवल पर भी अपना व्यापार करने लगे इसी को तो कहा जाता है लिबरल एल रिफॉर्म ठीक है आर्थिक नीति आया था उन्नीस में इसको ज़्यादा समझेंगे नहीं इसमें इकोनॉमिक्स का टॉपिक है फिर हम तीसरा नंबर समझते हैं कि धर्मनिरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता शब्द का मतलब क्या होता है तो धर्मनिरपेक्षा शब्द को बयालीसवें संशोधन अधिनियम उन्नीस सौ छिहत्तर द्वारा जोड़ा गया था और उच्चतम न्यायालय ने कहा भी था उन्नीस सौ चौहत्तर में कि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में नहीं किया गया है उल्लेख कहीं भी संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है ठीक है कहीं भी उल्लेख नहीं इस कथन को याद रखिए क्या पूछता है तथा इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसी राज्य की स्थापना करना चाहते थे ऐसा कोई संदेह नहीं है ठीक है इसलिए संविधान अनुच्छेद पच्चीस से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है जोड़ा गया है किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है पच्चीस और अट्ठाइस जिसमें कहा गया कि किसी भी धर्म को अपनाने प्रचार करने का अधिकार है फिर भारतीय संविधान में धर्मनिरक्षस भारतीय संविधान में धर्म धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएँ विद्यमान है, हैं अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं उनके समान संरक्षण प्राप्त है समर्थन प्राप्त है ठीक है तो हमारे देश में सभी धर्म समान रूप से देखे जाते हैं किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है सरकार का समान समर्थन प्राप्त होता है ठीक है दोस्तों तो ये हम तीन चीज़ें समझें समझे हैं तीन धर्म निरपेक्षता शब्द दे। देखिए ये वीडियो लंबा होता जा रहा है इसलिए हम अब चार वाले चार नंबर लोकतांत्रिक और कुछ बचा हुआ है बहुत सारा है तो उसको हम अगले वाले पार्ट में समझेंगे चलिए हम वो क्वेश्चन कर लेते हैं जो हम लोग करने वाले थे अंत में तो वह क्वेश्चन है दोस्तों वन सेकेंड रोकीयेगा क्वेश्चन है संविधान के निर्माताओं के मनोभाव आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं क्वेश्चन नंबर एक है कि संविधान के निर्माताओं और मनोभाव के क्या होते हैं प्रतिबिंबित होते हैं मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं किसमें होते हैं तो ऑप्शन दिया हुआ है मूल अधिकार ऑप्शन बी है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऑप्शन सी है उदयसिका में ऑप्शन डी है मूल कर्तव्य में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उदयसिका तो भारतीय संविधान निर्माताओं के मनोभाव आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं किस में तो उद्देशिका में हम लोग पढ़े हैं कि यह उद्देश्य को बताता है आदर्श को बताता है मनोभाव को बताता है कि आखिर संविधान निर्माता के मनोभाव क्या था उनका मंतव्य क्या था ठीक है तो यही उद्देशिका में बताता है ठीक है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यही चीज़ लिखा हुआ है ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है दोस्तों तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तब तक के लिए जय हिंद